بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास. पिछले हफ्ते हमने अपने चैप्टर नंबर 1 अपना मैथ्स का खत्म किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स. आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, रोमन नंबर्स. 1, 2, 3 जो हम आम नंबर्स देखते हैं इनको स्टैंडर्ड न्यूमरल्स या स्टैंडर्ड नंबर्स बोलते हैं, और ये आमतौर पर इस तरह से लिखा जाता है. लेकिन रोमन नंबर्स भी हैं जिनमें आपने एबीसी में से कोई चीज लेनी होती है, जिसमें से आई लेना होता है, 5 वी लेना होता है, और एक्स लेना होता है, सी एल, इस तरह के आपने अल्फाबेट्स लेने होते हैं, और वो कोई नंबर को शो कर रहे होते हैं. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक तो आपने अपनी 3 क्लास में भी पढ़े हुए, उनकी रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे हम नंबर सीखेंगे. सबसे पहले तो आपको पता था आई जो होता है वो 1 होता है, और बी जो होता है वो 5 होता है. ठीक है ना, और 10 जो होता है वो एक्स होता है. ठीक हो गया, आई 1 होता है, वी 5 होता है, और 10 एक्स होता है रोमन नंबर्स में. ठीक है, और 2 को कैसे लिखते हैं, आई और आई यानी 1 और 1 2. ठीक है, 1 1 1 यानी कि आई आई आई, 3 दफा आई लिखेंगे इसका मतलब होता है 3. ठीक है, अब हो गया 4, अब हो गया 5. 5 जो होता है वी होता है. ठीक है ना, ये आपको याद होगा. 4 में ये होता है कि 5 से 1 कम. अगर हम पहले लिख देंगे कोई एक, इनका अंदाज ये होता है कि वी से अगर पहले 1 लिखा हो तो यानी कि 5 में से 1 कम. 5 से 1 कम क्या होता है, 4. आई और वी का मतलब होता है 4. आप इस तरह से याद करें या समझ के याद करें, आपकी मर्जी है. आपने बस ये याद करना है, आई और वी क्या होता है, 4. अच्छा, आगे 5 तो आपको याद है, वी 6 कैसे होगा, वी और 1 6, 5 और 1 6, वी और 1 1, वी और 2 7, वी और 3, देखो हमें पता है ना, ये 3 है ना, आगे 3 दफा आए, 3 दफा आए, तो 5 और 3 दफा आए हो तो 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, 8. और हमें पता था 10 क्या होता है, x, तो x से पहले एक नंबर डाल दिया यानी कि x से एक कम. ठीक है ना, इस तरफ जो लिखे जाते हैं, जो इसके राइट साइड पे लिखे जाते हैं किसी भी नंबर के, इसका मतलब वो उसमें ऐड हो रहे हैं, और जो इसके लेफ्ट साइड पे कोई नंबर लिखा जा रहा है, जैसे 10 क्या, इस तरफ हमने 1 आई डाल दिया तो ये क्या बन गया, 10 से 1 कम यानी कि 9. ठीक हो गया, दोबारा से कर लेते हैं, आई 1, आई आई 2, आई 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 यानी 3 आए, 3 आई और 4, आई और वी 4, वी अकेला 5, वी और उसके बाद 1 आई आ जाए तो 6, वी के बाद 2 आई आ जाए तो 7, वी के बाद 3 आई आ जाए तो 8, आई और एक्स आ जाए तो 9, खाली एक्स आ गया तो 10. ठीक है, अब हम इसका थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसके आगे हम देखते हैं कि बाकी नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं. ठीक है, अब ये 10 तक तो आपको आती है ना, 10 कहता है एक्स होता है. एक्स के बाद अगर 11 लिखना हो तो एक्स यानी 10, 10 और 1, 10 और x और i 11, 10 और 1 11. ठीक है, x और i 11. 12 कैसे होगा, अच्छा एक और तरीका मैं आपको बता दूं, उससे भी ठीक हो जाएगा. 1 और 2 क्या होता है, 12, यानी कि x हो गया 10, और 10 के आगे दो और नंबर्स हो गए 11, 12. 13 कैसे होगा, x और 3 आए 13. 14 कैसे होगा, x यानी 10 हो गया, और आगे 4 लिख दे, 10 और 4 14 होता है ना, तो x हो गया 10 और i और v हो गया 14, 4, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 14. फिर x हो गया 10 और v हो गया 5, 10 और 5 15. फिर 16, x और v और i 6. ठीक है, 10 और 6 16. अच्छा, इसी तरह से आगे 10 और 7 17. फिर 10 और 8 लिखेंगे, x हो गया 10, 8 हो जाएगा v i i i, ये हो जाएगा x और 8 18. फिर x, ये x हो गया 10, i और x हो गया 19 9, तो दोनों मिला के हो गया 19. 20 कैसे होगा, 10 और 10 कितने होते हैं, 10 हो गया x, एक और 10 हो गया x. ठीक है, 10 और 10 20. 21 कैसे होगा, x और x 20 हो गया. आगे दोबारा काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे, 1 लिख देंगे, x और x 20 हो गया और 1 21, x और x 20 हो गया और 2 22.
फिर इसी तरह से एक्स और एक्स हम लिखेंगे 20 और आगे 3 के लिए 3 दफा आई लगा देंगे, ठीक है, कि कैपिटल आई है, कैपिटल आई कभी ऊपर से हम मोड़ते हैं कभी नहीं भी मोड़ते, ठीक है ना। तो क्या हो गया 23, फिर 20 के लिए एक्स हो जाएगा, आई और वी क्या हो जाता है 4 होता है ना, तो 24। फिर इसी तरह से एक्स और एक्स 20 और 5 के लिए वी लगा देंगे 25, एक्स और एक्स 20, वी और 1 6, 26, एक्स और एक्स 27 के लिए वी 5 और 6 7, दो आई लगा देंगे इसके आगे, ठीक हो गया। तो क्या हो गया ये 27, एक्स और एक्स 20 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक्स और एक्स 20 और आगे 8 लिखा हुआ है 28, फिर 20 और आई और एक्स 9 होता है ना, तो 29 हो गया। 30 के लिए 3x, x x x 10 10 10, यानी 3 दफा 10 हो गया तो कितना हो गया 30। 31 के लिए क्या करेंगे, 3 दफा x लगा लेंगे 30, तीन दफा x हो गया और एक दफा i हो गया 30 और ये 131, फिर 30 और दो दफा i 32। 33 के लिए 3 दफा x 30 और 3 के लिए 3 दफा आए, ठीक हो गया 33। फिर 34 के लिए 3 दफा x 1 2 3, 34 के लिए आपको पता है आई और v लिखते हैं ना, तो x के लिए हमने 30 के लिए हमने 3 दफा x लिख दिया और 4 के लिए i और v लिख दिया 34। 35 के लिए 3 दफा x 30 हो गया, v हो गया 5, 35। 36 के लिए 3 दफा x, ठीक है, 3 दफा x हो गया और 6 के लिए i और v 6, 30 और ये हो गया, सॉरी i और v नहीं, v और i, V और I 6 होता है ना, तो 36। फिर 37 ने लिखा हुआ है 3 दफा X और आगे 7, 37। 38 कैसे होगा, 3 दफा X, ठीक है ना, ये हो गया 38 के लिए क्या होता है, V और 3 आए, 1 2 1 2 3, आपने बॉक्स में लिखना है, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। 38 39 के लिए 3 दफा x, i और x 9 होता है, तो 39 हो गया, ठीक है बच्चों। ये बहुत इजी है, आपने समझने के बाद खुद करने की कोशिश करनी है। आगे हम चलते हैं, अच्छा नए उन्होंने सिखाए, नए रोमन नंबर्स आपको सिखा रहे हैं कि 50 के लिए हम l इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। 50 के लिए जैसा हमने, याद होगा आपको कि हमने कहा था कि 1 के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं जो खास खास है, ठीक है। 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल वी इस्तेमाल करते हैं या स्मॉल वी। 10 के लिए हम एक्स इस्तेमाल करते हैं, अब वो नया बता रहे हैं 50 के लिए आपने एल इस्तेमाल करना है, ठीक है। 50 के लिए आपने एल इस्तेमाल करना है, 100 के लिए आपने सी इस्तेमाल करना है, ठीक है। 100 अगर लिखना होगा रोमन नंबर्स में तो आप कैपिटल सी लिखेंगे 100 के लिए, और 500 के लिए आपने लिखना है कैपिटल एफ, ठीक हो गया। और 1000 के लिए एम, 1000 के लिए एम, ये इसके सिंबल्स हैं, ठीक है ना। इससे ये अब एम लिखा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा इसका मतलब 1000, एफ लिखा होगा तो आपको पता चलेगा इसका मतलब है 500, सी लिखा होगा तो आपको पता होगा 100, एक्स लिखा होगा तो 10, वी लिखा होगा तो 5 और 1, आई लिखा होगा तो 1। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो भी आपको नया नंबर जब भी वो बताते हैं तो उससे छोटे नंबर के पीछे हमने आई लगाना होगा। जैसे 5 लिखने के लिए वी लिखते हैं, लेकिन 4 लिखने के लिए आई और वी लिखते हैं, ठीक है ना, आई और वी, ठीक है ना। 4 लिखने के लिए आई और वी लिखते हैं, इसीलिए 10 से छोटा होता है 9। जब हमें 9 लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, आई और एक्स, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से
जब हम 40 की बात करेंगे तो हमें 40 लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? 40 के लिए हम लिखेंगे x यानी 10 और l, यानी कि l से 10 कम 40 हो जाता है, ठीक है ना। 50 में से 10 कम करें तो 40 आ रहा है ना, इस तरह से। और इसी तरह से हम 90 कैसे लिखेंगे? 90 के लिए हम लिखेंगे x और c, c होता है 100, 100 से 10 कम, पीछे लिखा हुआ है मतलब कि से 10 कम करना है, तो 100 में से 10 कम किया तो 90, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक्सरसाइज कर लेते, कंप्लीट दिस टेबल। xl होता है 40, xly, ठीक है ना, xl होता है फिर 40, xl क्या होता है, 40 होता है ना, उसके आगे i लिख दें तो क्या होता है, i का मतलब है 1, 41, फिर xl होता है 40, i और 4 क्या होता है, 4, 44, ठीक है, x होता है, xl होता है 40 और v क्या होता है 5, xl होता है 40, v और i होता है 6, xl होता है 40 और vii क्या होता है 47, मैंने 48 स्किप किया हुआ है, xl होता है 40, i और x होता है 49, ठीक है, हो गया। इसी तरह से हम अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, राइट दीज डेट्स इन रोमन नंबर्स न्यूमरल्स, ठीक है ना, ये डेट्स लिखी हुई है इनको न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन में, यानी कि मार्च तो मार्च ही रहेगा लेकिन 11 की जगह आपने रोमन नंबर्स में लिखना है कि 11 कैसे लिखते हैं। पहला वाला सवाल उन्होंने आपके लिए किया हुआ है, 11 कैसे होता है, 10 और 1 11 होता है, तो x हो गया 10 और 1 11, 10 और 1 11 मार्च। सेकेंड हो गया है 24 अक्टूबर, 24 कैसे लिखेंगे, 20 के लिए क्या लिखेंगे, x और x, ठीक हो गया ना। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, मैं जरा सा स्पेस छोड़ देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, 20 आगे 4 के लिखेंगे i और v, 24 हो गया अक्टूबर का, अक्टूबर आ जाएगा o c ऑक टी ओ टो बी आर बर अक्टूबर, ठीक है ना। 19 जून, 19 कैसे लिखते हैं बच्चों, 10 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, x, और 9 कैसे लिखते हैं, i और x, i और x होता है 9, तो ये दोनों मिला के 10 और 9 कितना होता है 19, जून का जून ही आ जाएगा, जे यू एन ई जून, ठीक हो गया। अब 31 अगस्त को कैसे लिखेंगे, 30 कैसे होता है, 3 दफा x, ठीक है ना, 1 के लिए हम i लिखते हैं, 3 दफा x 30 हो गया, i हो गया 1, 31 अगस्त के लिए हम पूरा ए यू जी यू एस टी अगस्त, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, एक्सरसाइज नंबर 2। आगे चलते हैं, तो हमें पता है कि वी जो होता है वो उसका मतलब होता है 5, ठीक है ना, रोमन में 5 को वी के अगर लिखते हैं, उसमें आई और एक्स, आई और एक्स होता है 9, 5 में हमने 9 प्लस करना है। अब हम 5 के आगे 9 गिन लें या 9 के आगे 5 गिन लें, एक ही बात है, 5 के आगे गिन लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ रहा है 14, लेकिन आपने इसको न्यूमरल्स में नहीं, नंबर्स में नहीं लिखना, 1 और 4, 14 आंसर आ रहा है, हमने इसको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। वो कैसा होगा, 14 कैसा होता है, 10 के लिए हम लिखते हैं x, एक सेकेंड, 10 के लिए हम लिखेंगे x, ठीक हो गया ना, और क्या नाम है उसका, 4 के लिए क्या लिखते हैं, i और v, ठीक है ना, 4 के लिए क्या लिखते हैं, i और v, तो ये कितना क्या हो गया, 14, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, हमें पता है कि v i i क्या होता है, v 5 होता है, आगे 2 i होते हैं 6 7, 7 और ये क्या है 7 और 5 v और 3 दफा i 8, 7 और 8 को हमने प्लस करना है तो 7 के आगे 8 और गिन लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आंसर आ रहा है, 15 कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं हम 10 के लिए और 5 के लिए हम लिखते हैं v, तो x और v क्या हो गया 15। आगे हम कर लेते हैं v और 3 i क्या होता है 8, 8 में हमने क्या प्लस करना है, i और x 9, 8 में हमने 9 प्लस करना है, गिन लेते हैं 8 के आगे 9 गिने हैं, एक सेकंड, हाँ 8 के आगे 9 गिन लें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के लिए हम
10 के लिए तो x लिखेंगे, आगे 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, v, 5 हो गया, 6, 7, ठीक है ना, x, v, i, क्या हो जाएगा, 17, आगे 9 और 10 प्लस करेंगे आपस में, i और x 9 होता है, खाली x 10 होता है, तो 10 और 9 कितने होते हैं, 19, हाँ 19, 19 कैसे होगा, पहले हम 10 लिखेंगे, 10 x हो जाएगा, और आगे 9 लिखेंगे i और x, तो कितना हो जाता है ये, 19, x i v, x i v क्या होता है, x होता है 10, i v 4 होता है, 10 और 4, 14, और x होता है 10, आगे 3, 1 हो तो x और 3, 10 और 3, 13, तो ये था 14 और ये था 13, 13 और 14 को प्लस करें, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 13 प्लस 14 करें, 4 और 3 कितना होता है, 7, ठीक है ना, और 1 और 1, 2, तो कितना हो गया ये, 27, तो 20 के लिए हम क्या लिखेंगे, x और x 20, और 7 के लिए क्या लिखेंगे हम, v, 5 हो गया, 6, 7, ठीक है ना, x, x, v, i, ये हो जाएगा 27, अबे x और x क्या होता है, 20, x और x क्या होता है, 20, और आगे 1, 21, 20 और 21 को प्लस करना है, 20 और 21 को प्लस करना है, तो इसके नीचे हम कर लेते हैं, 1 और 0 कितना होता है, 1, और 2 और 2 कितना होता है, 4, यानी कि 41, ठीक है ना, ये लाइन नहीं आ रही, लेकिन मैं प्लस कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ मेरे देखते रहे, तो 41 जब हम लिखेंगे रोमन्स में तो क्या बन जाएगा, 40 क्या होता है, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, 50 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 50 क्या होता है, L, 40 कैसा होता है, XL, X और L, यानी 50 से 10 कम, XL हो गया 40, और 1 के लिए हम खाली 1 हमें पता है I लिखते हैं, तो 41 हो जाएगा, ठीक है, मैं हल्की सी स्पेस इसलिए छोड़ रही हूँ कि आपको पता चल जाए, आप बेशक स्पेस नहीं छोड़ें, मैं आपके लिए इसलिए बीच में 40 और 1 अलग अलग किया मैंने, ठीक है ना, V और V क्या होता है, V होता है 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या होता है, 10, ये तो हमें करने की सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा आई और एक्स होता है 9, और एक्स और आई एक्स क्या होता है, एक्स होता है 10, आई एक्स होता है 9, 9 और 19 प्लस करना है, ठीक है, 19 के आगे हम 9 गिन लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, आपने भी अपनी उंगलियों में गिनना है, 28, 20 के लिए हम एक्स एक्स लिख लेंगे, 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, वी आई आई आई, ठीक है ना, 28, 20 के लिए एक्स एक्स हो गया, और 8 के लिए वी आई आई आई, आगे हम कर लेते हैं एक्स, एक्स एल क्या होता है 40, और आगे वी क्या है 45, 45 में 5 डाला तो 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, आपने भी अपने उंगलियों पे गिन लेना है, 50 के लिए हमें पता है कि 50 के लिए हम L इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने एडिशन किया न्यूमरल्स की, रोमन न्यूमरल्स की, इसी तरह से ये माइनस किया हुआ है, x, 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 यानी कि 30, तीन दफा x आना तो 30 हो गया, 30 में से 10 निकाला तो, 30 में से 10 निकाला तो 20, 20 के लिए हम दो दफा x लिख देंगे, L होता है 50 माइनस v, यानी कि 50 में से हमने 5 निकालना है, 50 में से हमने L होता है 50, इसमें से हमने निकालने हैं 5, ठीक है ना, हम कैसे निकालते हैं, मैं लाइन नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे लाइन नहीं लगेगी, ये जीरो है तो यहाँ से कैरी करके हम यहाँ पे ले आएंगे, चलिए मैं करके बताती हूँ, अच्छा जी, क्या नाम है, 5 जो है इसको काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे तो 1 और 0 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 भी कट गया, 0 चेंज हो गया, अब 10 बन गया है, ठीक है, 10 में से 5 निकाला तो, 10 में से 5 निकाला तो 5, ठीक है ना, और 4 का 4 नीचे आ गया, इसमें से कुछ निकालना नहीं था, तो क्या आंसर आ गया, 45, तो 45 के लिए हम कैसे लिखते हैं, 40 कैसे लिखते हैं, अभी हमने दो तीन दफा प्रैक्टिस की है इसकी, 40 हम कैसे लिखते हैं, एक्स एल, ठीक है ना, और 5 के लिए हम लिखते हैं v, xl हो गया 40 और v हो गया 45, इसी तरह से अभी अगला देख लेते हैं, xl हो गया 40 और v हो गया 5, 45 में से 10 निकालना है, 45 में से 10 निकालना है, माइनस करना है, 5 में से 0 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, 30, 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, x, 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 तीन दफा x, l होता है 50 और xl होता है 40 और आगे v 5, 45,
50 में से 45 निकालने हैं, हम क्या करेंगे? ठीक है ना, ये 10 से नहीं निकल सकता, 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ एक नंबर 5 से ले लेंगे, 5 से काट के हम इसको क्या बना देंगे, 4 बन जाएगा ये। और जब एक नंबर यहाँ चले गया तो 0 तो पहले ही मौजूद था, एक नंबर आ गया तो 10 10 हो गया। 10 में से 5 निकाला 5, 4 में से 4 निकाला, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि खाली 5 बच गया यहाँ पे V। अच्छा V I I क्या होता है, 8, और ये II क्या होता है, 2। 8 में से 2 निकाला तो 6, ठीक है आपने 6, लेकिन हमने यहाँ पे 6 तो नहीं लिखना ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखना है 6, कैसे लिखते हैं, वी आई, ठीक है, वी 5 हो गया, आई 6 हो गया। आई और एक्स होता है 9, 9 में से 3 निकाला, 9 में से माइनस किया 3, क्या बचा, इसको मिटा देते हैं, मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। 9 में से 3 निकाला तो आपको पता है कि 9 से 3 निकाले तो बचता है 6, तो यहाँ पे 6 बच गया। 6 के लिए हम दोबारा V और I लिखेंगे, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई दीज रोमन न्यूमरल्स, इन नॉर्मल न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करें, I होता है 1 और मल्टीप्लाई करना है, V और I होता है 6, हमें टेबल भी पढ़ के देखे थे, 1 6 8 6 होता है ना, तो यहाँ पे हम 6 ही लिख रहे हैं, वी आई 6 हो जाएगा। 5 V होता है 5 मल्टीप्लाई बाय V होता है 5, 5 5 आर 25 होता है ना, तो हम यहाँ पे 25 के लिए x x लिखेंगे 20, और 5 के लिए लिखेंगे V 25। अब ये अगला आ गया V, V होता है 5 मल्टीप्लाई बाय I और x होता है 9, ठीक है, क्या हो गया ये 5 9 r 45, हमें पता है ना। अब इसको हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे, 40 कैसे लिखते हैं, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, थोड़ा सा भूल गए होंगे, दोबारा सोचें, x और l होता है 40, और 5 के लिए हम v लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 45। तो ये बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और 2-3 सवाल समझ के प्लीज कोशिश करें कि खुद करने की कोशिश करें, जहां से समझ नहीं आता तो वीडियो वहीं से वापस देख लें, या किसी की आप हेल्प ले लें, इस तरह आपको ये समझ आ जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और अपनी नीट कॉपीज पे आपने इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इनको दोबारा लिखना है, गिनती लिखें आप कम से कम 100 तक लिख लें, या 40 50 50 तक कम से कम आपने गिनती लिखनी है, ठीक है। चले अल्लाह हाफिज, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका खुद करें काम।